गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज तुषार सर। आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर फिजिक्स चैप्टर विल बी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। आज का जो आपका टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रेशन। ये टॉपिक मैथमेटिक्स का है बट फिजिक्स में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है। इलेवेंथ में भी आपका यूज होगा, ट्वेल्थ में भी आपका यूज होगा। मैं आपको इंटीग्रेशन उतना ही बताऊंगा केवल जितना आपको फिजिक्स में काम आता है, बाकी का इंटीग्रेशन मैं आपको आपसे यहाँ पे डील नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। उतना ही आपको सीखना है जितना कि फिजिक्स में आपका काम हो जाए, फिजिक्स में जितना आपका यूजफुल है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रेशन का यूज कैसे करोगे। ये एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है बट आपको बिल्कुल भी आना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, इंटीग्रेशन की हिंदी होती है समाकलन। चलो इसके पहले मैंने आपको एक लेक्चर बनाया था, एक लेक्चर मैंने लिया था डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन की हिंदी क्या थी? अवकलन। और मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएट का मीनिंग क्या होता है। डिफरेंशिएट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसमें से आप क्या करोगे, उसको छोटे छोटे पीस में कट करो। यानी कि स्मॉल स्मॉल पार्ट है, यानी कि बड़े ऑब्जेक्ट को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएट। एक बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएट अवकलन। और छोटे छोटे पार्ट्स को अगर मैं कंबाइंड करता हूँ, सबको ऐड करता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन जो है, समाकलन जो है, वो डिफरेंशिएट का जस्ट अपोजिट है, पूरा का पूरा उल्टा है। अब हम बात करते हैं कि हमें डिफरेंट इंटीग्रेशन का यूज क्यों पड़ा, हम समाकलन क्यों करते हैं, फिजिक्स में हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। उसका रीजन समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। उस एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर कट टू कट समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर ये एक ब्लॉक है, आप इसको समझने की कोशिश करना, ये ठीक है, ये एक ब्लॉक है। इनिशियल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक विल बी ए। ब्लॉक को मुझे ए से बी तक मुझे डिस्प्लेस करना है। ये बी है। जब मैंने ब्लॉक को ए से बी तक डिस्प्लेस किया तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस विल बी 5 मीटर। मैंने यहां पर एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। मैंने यहां पे एक फोर्स लगाया कितने का, 10 न्यूटन का। मैं यहां से फोर्स लगाते जाता हूं और मैंने ब्लॉक को ए से कहां पे कर दिया, बी पर कर दिया। मुझे अभी बताओ, इस ब्लॉक को रोकने वाला बीच में क्या कहीं कुछ है? नहीं है। बीच में क्या होगा, एयर के पार्टिकल्स होंगे, एयर के रेजिस्टेंस होंगे, तो एयर का रेजिस्टेंस इस ब्लॉक पर उतना इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक को मैंने धीरे धीरे मैंने दबाना शुरू किया, मैंने इस पर बल लगाना शुरू किया, मैंने इस पर फोर्स लगाना शुरू किया और मैंने इसको यहां से यहां कर दिया, ए टू बी। मुझे आप ये बताओ, जब ब्लॉक यहां पर था तो उसके ऊपर मैंने कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन। जब ये ब्लॉक यहां पर आ गया तो भी मैंने कितना फोर्स लगा रहा हूं, 10 न्यूटन। यानी यहां भी कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। जब ये ब्लॉक यहां पर आ गया तो भी कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। जब ये ब्लॉक यहां पर आ गया तो भी कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। मुझे अभी बताओ, पूरे जर्नी में हमारा जो फोर्स जो मैं लगा रहा था वो कितना लग रहा था, 10 न्यूटन। क्या फोर्स को अपोज करने वाला कोई था? नहीं था। मतलब ए से लेकर बी तक जो भी आपने फोर्स लगाया वह कितना है, 10 न्यूटन का। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं कि तो ए से बी तक कितना वर्क करना पड़ा, वर्क निकालिए, कार्य बताइए। तो वर्क का फॉर्मूला कितना, बल गुणे विस्थापन फोर्स, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया आपने, 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो फोर्स है कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है, क्योंकि ए से बी तक हमेशा फोर्स आपका 10 न्यूटन ही है। मतलब यहां पर जो फोर्स है वो कैसा है आपका, कांस्टेंट। मतलब अच्छा, डिस्प्लेसमेंट फोर्स 10 न्यूटन ए से बी तक, तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ। कितना आपका आ गया, 50 जूल। मतलब कि ब्लॉक को ए से बी तक डिस्प्लेस करने में आपने कितना काम किया, कितना वर्क किया, 50 जूल का मैंने वर्क किया। चलो एक तो एग्जांपल ये हो गया। अब एक एग्जांपल मैं आपको और लेके यहां पर समझाता हूं। ये एक स्प्रिंग है, ये एक ब्लॉक कनेक्ट है, सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस ये है। ये भी डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। ये पॉइंट कौन सा है, ए, ये पॉइंट कौन सा है, बी। मुझे ब्लॉक को ए से बी तक लेकर आना है, सेम कॉन्सेप्ट, बट यहां पे बीच में क्या था, एयर। यहां पे मीडियम क्या था आपका, एयर पार्टिकल।
यहां पे मीडियम क्या है, यहां पे मीडियम ये क्या है आपका स्प्रिंग है, यहां से मैंने इसको पुल, यहां से मैंने इस पर फोर्स मैंने अप्लाई किया कितना 10 न्यूटन। मुझे आप ये बताओ ब्लॉक को ए से बी तक करने में मुझे कितने वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, क्या वर्क 50 जूल ही होगा क्या, नहीं क्यों नहीं होगा वो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर जब ये स्प्रिंग इतना था तो मैंने कितना फोर्स लगाया 10 न्यूटन। आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली सोचो, जैसे जैसे मैं इसको जब जैसे जैसे ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी ये बताओ तो आपके द्वारा जो लगाया गया जो बल होगा वो अधिक होता चला जाएगा। जब स्प्रिंग यहां पर है, जब ये ब्लॉक यहां पर है तो मैंने कितना लगाया 10 न्यूटन, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, ये बताओ जब कंप्रेस हो जाएगी तो क्या 10 न्यूटन से आगे जाएगा, नहीं जाएगा। आप और आपने बल और बढ़ा दिया, जब ये ब्लॉक यहां पर आ गया तो आप बल और बढ़ा दोगे, जब ये ब्लॉक यहां पर आ जाएगा तो बल आप और बढ़ा दोगे, मतलब जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, जैसे जैसे स्प्रिंग का संपीड़न हो रहा है वैसे वैसे ये जो बल है ये कॉन्स्टेंट नहीं होगा आपका। बात समझ में आ रही है, अभी बल 10 न्यूटन का है, जब ये ब्लॉक और भी अंदर जाएगा तो बल आपको और लगाना पड़ेगा, जब ये ब्लॉक और अंदर जाएगा तो बल आपको और लगाना पड़ेगा, यानी कि यहां पर अगर आप देखो तो जो बल है वह हमारा कॉन्स्टेंट नहीं है, बल कैसा हमारा वेरिएबल, बदलता हुआ, यानी कि जो बल है वो लगातार क्या हो रहा है बदल रहा है। अब बात आती है कि अगर बल की वैल्यू, अगर ये फोर्स बदल रहा है तो अगर मुझे यहां पे मैं आपसे पूछता हूं कि ए से बी तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा तो क्या वर्क 50 जूल होगा, 50 जूल तो वर्क नहीं होगा, तो आप कैसे निकालोगे यहां पर, क्यों, क्योंकि फोर्स तो वेरिएबल है ना, फोर्स तो लगातार बदल रहा है, यहां का फोर्स कुछ और होगा, यहां का फोर्स कुछ और होगा, यहां का फोर्स कुछ और, यानी कि फोर्स की वैल्यू तो लगातार चेंज हो रही है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स क्या रखोगे आप, नहीं निकाल सकते ना आप। तो अगर कोई ऐसा केस है जिसमें वैल्यू वेरिएबल है, ध्यान से समझना आप, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें वैल्यू लगातार चेंज हो रही है बदल रही है तो हम इंटीग्रेशन का यहां पर यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर देना, तोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि छोटे 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 पार्ट्स को कंबाइंड करना, यानी कि सबको ऐड कर देना। चलो अब इसका मैं एग्जैक्ट मीनिंग बताता आपको क्या हुआ, मुझे ए से बी तक का वर्क निकालना है तो मैंने इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहां पे लिया। अब मैंने ब्लॉक को मैंने पुश करना स्टार्ट किया, मान लो कि ब्लॉक आपका ये इनिशियल पोजीशन है, ब्लॉक आपका यहां पे कहीं पे आ गया ये, जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक आया तो आपने देखा कि ये जो 10 न्यूटन का जो फोर्स था वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद से अगर आप ब्लॉक को पुश करोगे तो ये जो फोर्स है वो चेंज होने लगा। अब ये कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ये वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स है वो क्या है आपका कॉन्स्टेंट है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने लिख दिया किससे, डी एक्स से। बात समझना आप, अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट है, अगर एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, एक होता है डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करते हो और एक होता है आप डी एक्स रिप्रेजेंट करते हो। डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सूक्ष्म विस्थापन। अगर कहीं मैंने dx लिखा है तो dx का मतलब क्या हुआ, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अति सूक्ष्म विस्थापन। यानी कि फिजिक्स में अगर चेंज जो है एकदम से छोटा है, एकदम से छोटा है तो आप क्या करोगे, आगे d लगाओगे dx, थोड़ा सा कम है तो डेल्टा एक्स, और जो मेन होगा वो एक्स से रिप्रेजेंट करोगे। तो आपने देखा कि अब कॉन्सेप्ट आप समझना, आपको ए से बी तक का मुझे वर्क निकालना है लेकिन फोर्स वेरिएबल है, फोर्स चेंज हो रहा है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट का यूज किया, मैंने ब्लॉक को मैंने थोड़ा सा इसको मैंने पुश किया और आपने देखा कि यहां से लेकर यहां तक फोर्स चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट एकदम से छोटा है, वेरी स्मॉल है, तो ये डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना ले लिया, डी एक्स, ये था। तो यहां से लेकर यहां तक का फोर्स तो 10 न्यूटन ही होगा।
अब इसके बाद से फोर्स आपका चेंज होने लगा, 10 से 12 हो गया, 13 हो गया, जो भी हो गया। अब मुझे अभी बताओ तो ब्लॉक को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक करने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा, ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, स्मॉल, तो वर्क भी कैसा होगा, वेरी स्मॉल। तो यहां पर वर्क कैसा होगा आपका, वेरी स्मॉल वर्क, वेरी स्मॉल वर्क। ये बताओ तो यहां से लेके यहां तक का वर्क, वर्क को कैसे रिपेंड करते हो, डब्ल्यू से। तो लेकिन ये वेरी स्मॉल है, तो यहां से लेके यहां तक का वर्क आपका डी डब्ल्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां से लेके यहां तक का कितना फोर्स आपने लगाया, एफ, एफ की वैल्यू 10 न्यूटन है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना, डी एक्स। ये जो डी डब्ल्यू है ये आपका छोटे से पार्ट के कारण वर्क डन है, मेरी बात समझो आप, छोटे से पार्ट के कारण। अब सेम कॉन्सेप्ट मैं यहां पे निकालता हूं, अगर ये ब्लॉक यहां से लेके यहां तक आता है ये होता, तो ये यहां का भी वर्क डन आप निकाल सकते हो, फिर ब्लॉक यहां से यहां तक आता है तो यहां का वर्क डन निकाल सकते हो। तो ऐसे आपने अलग 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 वर्क डन निकाल लिया, सबको आपने ऐड कर दिया, तो आपका ए से लेके बी तक का वर्क डन निकल गया, क्लियर समझ में आ गया। तो अब छोटे छोटे पार्ट का हम नहीं निकालते हैं, हमारे पास एक शॉर्टकट है कि हमने एक छोटे से पार्ट का निकाल लिया। अब अगर मैं इसी को डी डब्ल्यू को मैंने यहां पर एक इस तरीके से साइन बनाया, तो दैट साइन इंडिकेट इंटीग्रेशन, ये साइन क्या इंडिकेट करता है, इंटीग्रेशन, मतलब आप चीजों को ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो। यानी कि अगर मैंने इंटीग्रेट डी डब्ल्यू लिखा है, मतलब कि डी डब्ल्यू छोटे छोटे डी डब्ल्यू हैं, सबको मैं ऐड कर रहा हूं, इंटीग्रेट डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेट एफ डॉट डी एक्स, बात समझ में आ गया आपको। इंटीग्रेट डी डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ कि डी डब्ल्यू छोटा वर्ग डन, 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 सबको आपने ऐड किया। ये तो जब आप सबको ऐड करोगे तो आपको ये पूरा वर्ग डन मिलेगा। पूरा वर्ग डन मतलब क्या हुआ कि डी डब्ल्यू इंटीग्रेट डी डब्ल्यू की जगह पे क्या मिलेगा आपको, डायरेक्ट डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेट एफ डॉट डी एक्स, इंटीग्रेट एफ डॉट डी एक्स, बात थोड़ा समझ में आए आपको। इंटीग्रेट डी डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू, इंटीग्रेट डी एक्स का, अब मैंने आपको बोलता हूं कि इंटीग्रेट डी एफ का मतलब क्या हुआ, एफ, इंटीग्रेट डी एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट डी एफ का मतलब क्या हुआ कि छोटे छोटे फोर्स हैं, सबको आपने ऐड कर दिया तो नेट फोर्स। इंटीग्रेट डी एक्स का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है, सबको आपने ऐड कर दिया तो एक्स हो गया। अभी आपको केवल मेरा समझाने का मतलब ये था कि इंटीग्रेशन का यूज कहां पे कैसे क्या करना वो आपको समझाना चाहिए कि इंटीग्रेशन का हम यूज कहां पे करेंगे। तो समाकलन का यूज कहां पे करेंगे, जहां पे चीजें वेरिएबल हो, यानी कि वैल्यू क्या हो रही हो, लगातार क्या हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही हो। और इंटीग्रेशन का साइन क्या है, ये डिफरेंशिएट में, डिफरेंशिएट को आप कैसे करते थे ये बताओ, डिफरेंशिएट को आप ऐसे लिखते थे डी अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएट में डीएक्स कहां पे था, डिवाइड में था, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेट में डीएक्स कहां पर होगा, मल्टीप्लाई में होगा, उल्टा है उसका। डिफरेंशिएट जब आप अवकलन करते थे तो डीएक्स को नीचे लिखते थे, और इंटीग्रेट करते समय डीएक्स को कहां पर लिखोगे, मल्टीप्लाई में लिखोगे। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्मूले की। चल अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं जो फिजिक्स में यूज होने वाला है। अगर मैं इसके एक ही फॉर्मूला आपका फिजिक्स में पूरे यूज होगा, एक ही फॉर्मूला आपका यूज होता है, मैं आपको बता देता हूं। मान लो लिखा है इंटीग्रेट एक्स पे पावर एन इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करना है किसका, इंटीग्रेट करना है एक्स का, इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां पे किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका फॉर्मूला होता है एक्स पे पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, दैट इज फॉर्मूला। x पे पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर ऐड करोगे, फिर जो भी आपका पावर होगा n प्लस वन उसी पावर से हम डिवाइड करेंगे। ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से कुछ फॉर्मूले और हैं, मैं आपको एक दो फॉर्मूले बता देता हूं। ये तो जैसे साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता था, साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता था, cos x, cos x का डिफरेंशिएट क्या होता था, माइनस साइन x, डिफरेंशिएट की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेट करता हूं तो जैसे मैंने लिखा इंटीग्रेट साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेट होगा वो साइन चेंज हो जाएगा बस, माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेट क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। इसी तरीके से आप और भी लिख सकते हो,
बट आपको यूज नहीं आएगा, फिजिक्स में कोई यूज नहीं है, फिजिक्स में आपका केवल एक दो ये आपका यूज हो सकता है, बाकी ये फॉर्मूला आपका बार बार यूज होगा फिजिक्स में, बाकी मैथमेटिक्स में तो आपका यूज होगा, लेकिन आप अपने को मैथमेटिक्स से कुछ नहीं करना है, अपने मुझे तो केवल फिजिक्स का देखना है, तो फिजिक्स में केवल ये फॉर्मूला यूज होगा और एक दो बार कहीं कहीं आपका ये साइन और कॉस यूज हो सकता है, बाकी टैन सेक कोसेक ये सब आपका फिजिक्स में यूज नहीं होने वाला है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। इसका एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मैंने आपको बोला कि x पे पावर 5 को इंटीग्रेट करो, x पे पावर 5 को इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करो, तो क्या करोगे, तो x पे पावर 5 है, इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट का साइन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहां पे dx आ गया, तो x पे पावर n है तो एक पावर ऐड करोगे, फिर जो भी होगा उसी पावर से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा x पे पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 6, दैट इज आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएट का जस्ट अपोजिट होता है, इंटीग्रेशन जो होगा वो डिफरेंशिएट का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि x पे पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना आया, ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा, इतना आना चाहिए, अब चाहो तो करके देख भी सकते हो इसका डिफरेंशिएट, अब जैसे मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, मान लो x पे पावर 6 अपॉन 6 का डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करोगे, डी अपॉन डी एक्स, 6 बाहर आ जाएगा, x पे पावर 6 का डिफरेंशिएट क्या करोगे, पावर को आगे लिखते हो, x एक पावर कम करते हो, देखो 6 से 6 कैंसिल कितना आ गया, x पे पावर 5 आ गया ना, यानी कि x पे पावर 5 का जो इंटीग्रेशन है वो इतना है, तो इसका जो डिफरेंशिएट होगा वो इतना होगा, देखो आपको दिख भी रहे, बात समझ आ गई, क्लियर। तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर में आपको इंटीग्रेशन आपको करना है। अब मान लो कि कहीं पे लिखा है इंटीग्रेट क्लोज, ऐसा सर्कल बनाया, ये क्या रिप्रेजेंट करता आपका, क्लोज इंटीग्रल, बंद समाकलन, क्लोज इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ कि ये इंटीग्रेट आपको कर रहे हो, किसका इंटीग्रेट कर रहे हो, किसी भी क्लोज पार्ट का, किसी भी क्लोज पार्ट का, जैसे स्फीयर हुआ, स्फीयर अगर मुझे स्फीयर का इंटीग्रेट करना है तो वो अब क्या करोगे, स्फीयर तो पूरा क्लोज है ना, तो वहां पर एक सिंबल आप यूज कर लेना क्लोज का, इस तरीके से, तो दैट इज क्लोज इंटीग्रल, ओके, इस तरीके से आपको करना है। अब मैं आपको एक बात आपको यहां पे और बता देता हूं, आप यहां पे एक पॉइंट भी आपका आता है लिमिट पुटअप करने का, लिमिट क्या कैसे पुटअप करोगे वो समझ लो, जैसे मान लो मैंने आपको लिखा यहां पर t पे पावर 4 इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक, चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या करोगे, इंटीग्रेट t पे पावर 4 इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो यहां पे t पे पावर 4 है तो इंटीग्रेट कैसे करोगे, एक पावर ऐड करोगे और उसी पावर से डिवाइड कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हो जाएगा t पे पावर 5 अपॉन 5। अब देखो यहां पर जो टाइम है वो 1 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक वेरी कर रहा है, तो मिनिमम टाइम कितना है 1 सेकेंड, मैक्सिमम टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो इसके नीचे आप लिखोगे मिनिमम लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी, 1 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 1 सेकेंड, और ये लिखोगे अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी, t इक्वल टू 3 सेकेंड, इसको आप बोलते हो, यहां पे जो नीचे लिखते हैं इसको आप बोलते हो लोअर लिमिट, इसको आप बोलोगे अपर लिमिट, हिंदी में भी यही बोलोगे, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो यहां पे हो गया। अब अभी अभी हम क्या करेंगे, जब मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेट करने के बाद से आप यहां पर इस तरीके से एक ब्रैकेट बनाओगे और यहां पे लिखोगे लोअर लिमिट 1 सेकेंड और यहां पे लिखोगे अपर लिमिट कितना 3 सेकेंड, सॉरी
फिर से यहाँ पे ब्रैकेट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखने के बाद से अब हम इस लिमिट की वैल्यू कैसे पुट अप करेंगे वो समझ लो। पहले जो भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा उसको हम बाहर कर देंगे, तो 5 कॉन्स्टेंट है तो 5 को मैंने बाहर कर दिया, तो 1/5 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा टी पे पावर 5, 1, 2, 3। लिमिट कैसे पुट अप करेंगे, 1/5। सबसे पहले हम लिखेंगे टी की जगह पे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है 3, तो 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 3 पे पावर 5। बीच में साइन आएगा किसका, माइनस का हमेशा और हमेशा। फिर हम टी की जगह पे लिखेंगे लोअर लिमिट को, तो लोअर लिमिट कितनी है 1, तो 1 पे पावर 5। क्लियर, ये आपका हो जाएगा आंसर 1/5, ये आपका 3 पे पावर 5, जो भी आपका आंसर आता है तो 3 पे पावर 5 - 1, दैट इज आंसर। समय आ गया कि आपको ये लिमिट कैसे पुट अप करोगे, तो लिमिट कैसे पुट अप करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से आपको करना है। ओके चलो, एक मैं आपको फटाफट एक मैं एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। मैंने यहां पे लिखा कि वेलोसिटी जो है, एक वेलोसिटी है उसका जो इक्वेशन दिया है वो दिया है 4t² - 4t⁻³ - 2t² ये वेलोसिटी दी है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट बताओ बिटवीन t = 1 second to t = 2 second, 1 second से लेके 2 second के बीच में आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ, विस्थापन बताओ कितना होगा, क्या करोगे। देखो वेलोसिटी दिया है, अब कॉन्सेप्ट वो याद करो जो मैं आपको बताया था, xt, vt, at। अगर आपको इस तरीके से जाना है तो डिफ्रेंशिएट करोगे, अवकलन करोगे, इस तरीके से जाना है तो आप क्या करोगे, ग्राफ होगा तो एरिया निकालोगे, ग्राफ अगर दिया होगा तो एरिया निकालोगे, और या तो इंटीग्रेट करोगे, समाकलन। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो वी से एक्स जाना है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। कैसे इंटीग्रेट करोगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। v का फॉर्मूला dx/dt 4t⁻³ - 2t² dt को यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा dx = 4t⁻³ - 2t² × dt। अब ये तो ये dx है, आपको ये dx, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो मुझे पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है 1 second से लेकर 2 second के बीच में, तो मैंने यहां पे क्या किया, dx को मुझे x में बदलना है, तो मैंने क्या किया यहां पर इंटीग्रेट, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x। अब यहां पे इंटीग्रेशन आपको करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, तो मैं दोनों को अलग अलग लिख लेता हूं, तो इंटीग्रेट 4t³ × dt, इसको इसके साथ लिखा, माइनस इंटीग्रेट, इसका भी इंटीग्रेशन 2t² dt। लिमिट कहां से कहां तक टाइम की है, 1 second से लेके 2 second, तो यहां पर टाइम हो जाएगा 1 second 2 second, यहां भी टाइम हो जाएगा 1 second 2 second। सॉल्व कर लेते हैं, x = कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो या इंटीग्रेट हो, 4 को आपने कर दिया बाहर। t⁻³ का इंटीग्रेशन कितना, तो 1 पावर ऐड होगा, उसी पावर से डिवाइड होगा, लिमिट पुट अप करेंगे 1 से 3, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है 2 बाहर, t² का इंटीग्रेशन तो 1 पावर ऐड होगा, उसी पावर से डिवाइड होगा, लिमिट पुट अप करेंगे 1 से 2। फिर x = 4 कॉन्स्टेंट है, 4 कॉन्स्टेंट है, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4, t की जगह पे कितना आएगा 3, तो 3 पे पावर 4/4 - फिर t की जगह पे कितना आएगा 1, तो 1 पे पावर 4/4 माइनस 2, टी की जगह पे कितना आएगा 2, तो 2 पे पावर 3/3 माइनस, अब मैं इसको अंदर ही लिखता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टी की जगह पे 1 आएगा तो 1 पे पावर 3/3। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, इसको आप सॉल्व कर लोगे जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज आंसर,
थ्री पे पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर, इसको आप सॉल्व करोगे जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो ये इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपका हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वी इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू एटी स्क्वायर, ये जितने भी इक्वेशन जो मेन जो तीन इक्वेशन है वो हम ड्राइव कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।